ये डूबे में ना यार दिमाग खराब है। सामने वाले तो ऐसे स्पीड में आते, देख ये देख, जैसे कि बस मेरी सुपारी दी वो किसका। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल। टाइटल से पता चल ही गया होगा तो मैं जा रही हूँ हैदराबाद। टाइटल से पता चल ही गया होगा तो मैं जा रही हूँ सोलो ट्रिप ऑब्वियसली। तो अभी मैं हूँ कहीं बीच में, तो जर्नी शुरू होती है यहाँ से नहीं ऑब्वियसली, यहाँ से। ओके एवरीबॉडी, तो व्लॉग शुरू होता है यहाँ से। टाइम हो रहा है एक, रात के 1 बजे है और 14 किलोमीटर्स मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है मेरे घर से। टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं सोलो राइड कर रही हूँ मुंबई टू हैदराबाद, जो कि है 700 किलोमीटर्स, आई मीन आई थिंक 710 किलोमीटर्स टू माई डेस्टिनेशन। तो चलो फिर, और क्या, एक्चुअली रात को निकलने का प्लान इसके लिए किया है क्योंकि 700 किलोमीटर्स करने के लिए मैप में दिखा रहा है मुझे 14 आवर्स मुंबई टू हैदराबाद। तो 14 आवर्स करेंगे तो अगर मैं सुबह निकलती हूँ तो मुझे वहाँ पे पहुँचूंगी तब रात हो जाएगी, तो मुझे वो रिस्क नहीं लेना है। तो ये वाला बेटर होगा कि मैं यहाँ का नाइट राइड कवर कर लूँ। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, और यहाँ पे रीरूट हुआ है, मतलब मैं थोड़ा सा गलत सलत आई हो लगता है। गूगल है ना, मुझे ना बहुत गंदी तरीके से फंसा दिया है, पता नहीं मैं कहाँ आके अटक गई हूँ अभी और कहाँ जा रही हूँ। वो भी एक गलियों के बीच रात के टाइम पे। पहुंच गई कहीं तो यार, कम से कम हाईवे पे तो पहुंची हूँ। मुझे अचानक एक सीन याद आ गया 1 साल पहले का। मैं और महेश, मेरे पुराने ब्लॉग्स हो गए, मेरे पुराने 2 ही ब्लॉग्स एक्चुअली महेश के साथ, मैंने मेरे स्टार्टिंग के एकदम स्टार्टिंग वाले ब्लॉग्स 1 साल आई थिंक 8-9 महीने पुराने, आई डोंट नो। पर वो जब मैं ब्लॉग नहीं करी थी तभी की बात है, अभी से लेके 1.5 साल हो गए थे मैं बाइक सीख के। और जैसे मैं सीखी वैसे ही 1-2 महीने मैंने स्टार्ट कर दिया था लॉन्ग राइड्स। तो तभी की बात है, हम लोग कहीं पे गए थे लॉन्ग राइड पे, आई थिंक महाबलेश्वर या लवासा या कहीं पे गए थे। तो रिटर्न आते टाइम बहुत अंधेरा हो चुका था, लेट हो चुका था, 12:30 ऐसा कुछ तो हो गया था टाइम। और ट्रैफिक काफ़ी, ट्रक वर्क का ट्रैफिक होता है यहाँ पे रात के टाइम पे, ट्रैफिक व्राफिक था और हम लोग दोनों थोड़ा सा बिछड़ गए थे मैं और महेश। तो मैं लेफ्ट साइड पे थी, मैं राइट साइड पे थी, महेश लेफ्ट साइड पे था और सीधा स्ट्रेट रास्ता था एक्सप्रेस वे के लिए और लेफ्ट जाने का रास्ता था नॉर्मल वाला जहाँ से हम लोग एक्चुअली जाना था। और महेश को रास्ता पता था, मुझे नहीं पता था, तो मुझे लगा स्ट्रेट ही जाना, तो मैं स्ट्रेट निकल गई एक्सप्रेस वे पे और महेश अपना रास्ता लेके निकल गया था। तो मैं अकेली हो गई थी रात को, रास्ता ऐसे ही था जैसे अभी दिख रहा है वैसे ही था एकदम, मतलब सुनसान, कोई नहीं रास्ते में, मतलब कोई पहचान नहीं, झाड़ वाड़ ऐसा था। मैं बार बार महेश को फ़ोन कर रही थी वो टाइम पे और उसका फ़ोन लग नहीं रहा था, नॉट रीचेबल आ रहा था, ऐसे कुछ हो रहा था वो टाइम पे। मेरी बहुत ज़्यादा फट गई थी, मतलब मैं लिटरली रो रही थी, मतलब मैं क्या करूँ अभी, एंड लुक एट मी नाउ, मैं अकेले निकली हूँ सोलो राइड पे। मतलब
आई डोंट नो, आई थिंक ये एक बार तुम बाइक चलाना सीख जाते हो ना, मतलब इतना कॉन्फिडेंट आ जाता ना, मतलब तुमको पता चलता है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या नहीं कर सकते हो. ठीक है, मेरा स्टार्ट हुआ था महाबलेश्वर से. मैंने स्टार्टिंग मैंने किया था वसई फोर्ट, जो कि आई थिंक 50-60-70 किलोमीटर से मेरे यहाँ से वहाँ से स्टार्ट किया था. मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक कर सकती हूँ तो मैं अलीबाग कर सकती हूँ, तो अलीबाग किया था. फिर मैंने बोला अलीबाग कर सकती तो महाबलेश्वर भी कर सकती हूँ, महाबलेश्वर किया. मैंने महाबलेश्वर कर सकती हूँ तो मैं उदयपुर भी कर सकती हूँ, तो उदयपुर कर लिया. फिर गोवा कर लिया. फिर मैंने बोला इतना सब कर सकती तो मैं अकेले भी जा सकती हूँ. फिर अकेले सारा स्टार्ट किया. ऐसे कुछ थी मेरी जर्नी. तो मतलब अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ट होता गया और मैं राइड करती गई. मतलब मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था. वो महेश वाला जो सीन हो गया था लास्ट टाइम, वो सीन के बाद मैंने सपने भी में नहीं सोचा था क्योंकि मैं रात को अकेले सोलो राइड पे निकलूंगी, वो भी मुंबई टू हैदराबाद. बट हियर आई एम. आई थिंक आई एम अबाउट टू रीच लोनावला. चल डूड, घाट स्टार्ट हो गया. संभाल के चलो. जय श्री राम. ओ गॉड, एक्सीडेंट हो गया इधर. गंदा वाला. चलो आई थिंक घाट तो खत्म हो गया. चलो लास्ट टाइम यही पे हम लोग मैगी खा रहे थे, सेम मैगी सेम कॉफी, जब गोवा जा रहे थे. किरण, आई मिस यू. याद नहीं आ रहा है आपकी मैगी. किरण, मैं, अमित, हो में हम लोग यही से गोवा गए थे. यही जगह थी वो, यही मैगी थी वो, यही कॉफी था. आधे घंटे से तो कैमरा सेट करने में ही चला गया. मतलब हमेशा जाओ तो कुछ ना कुछ मंगा होना जरूरी है, तो बिना मंगे मेरा राइड कम्प्लीट होना ही नहीं है. मतलब आधा घंटा तो यहाँ पे ऑर्डर चला गया, कैमरा वैमरा का सोचा ऑर्डर वो सब करने के लिए. मैंने सिर्फ लेंस निकाल के वापस से लगा दिया, फिर चालू हो गया. पहले कर देती तो आधा घंटा वेस्ट नहीं था मेरा. अभी मुझे एक रेड बुल की ज़रूरत है. लेट्स हंट फॉर अ रेड बुल. रेड बुल, रेड बुल, रेड बुल. रेड बुल है क्या? रेड बुल है क्या? रेड बुल है. जूस बनाना. तो सेकंड ब्रेक 300 किलोमीटर्स कवर्ड, समवेयर अराउंड 300 किलोमीटर्स कवर्ड. रेडबुल ढूंढने के चक्कर में मुझे रेडबुल मिला ही नहीं, तो फाइनली आई एम हैविंग शुगर केन जूस. और भूख लगी है तो ये चिप्स खा रही हूँ. धूप लग रही है और ठंडी भी लग रही है, मतलब मिक्सचर है. ठंड मतलब धूप में जो हवा आती है ना वैसी लग रही है. नाइस, गुड. अभी शुगर केन जूस पीते फटाफट और निकलते. इस बार मेरे फेस पे पिंपल्स नहीं आए, तो हर बार आते हैं धूप में. जब मैं चलाती हूँ बाइक तो मेरे हर बार मेरे फेस पे पिंपल आते हैं, इस बार नहीं आए. कुछ तो गड़बड़ है यार.
अर्जेंट बम ब्रेक रेस्ट, 250 किलोमीटर्स मोर टू गो. टाइम इज़ 12 और 250 किलोमीटर बाकी है. अभी जो मैंने चलाया है ना 200 किलोमीटर कंटिन्यू चलाया है, क्योंकि शेड ही नहीं मिल रहा था मुझे. एज़ यूजुअल मुझे शेड ही नहीं मिल रहा था रुकने के लिए, तो अभी कैसे कैसे रुकी और मैं बैठ गई हूँ. मिट्टी विट्टी क्या है पता नहीं यहाँ पे, मिट्टी विट्टी. जैसे भी मैं बैठ गई हूँ और मुझे अभी बहुत ज़्यादा धूप लग रही है. और पानी जो मैंने लिया था ये बहुत ही गर्म हो चुका है. मैंने सोचा था एक शेड मिलेगा तो रुक के पानी पीऊँगी, पर मुझे शेड मिला ही नहीं. और मैं चलती गई और मैं यहाँ पहुँच गई और मैं बैठ गई. ओह, 39 डिग्री सेल्सियस. पिंपल्स भी आ गए हैं वापस. पिंपल्स यार, ये पिंपल्स का क्या सीन है समझ में नहीं आता है. मतलब मैं जब घर से निकली थी अच्छा खासा स्किन था, फिर धूप में एक्चुअली पूरा कवर्ड रहता है ना सब कुछ, तो डस्ट में चिपक चिपक के पिंपल्स आ जाते हैं. एंड माई स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव इसके लिए. एक्चुअली ये पिंपल्स है ना वो क्रेजी स्टूपिड एक्स के जैसे होते हैं ना, जो कभी पीछा नहीं छोड़ते. जल्दी पहुँचना, आंधी होने से पहले पहुँचने का टारगेट था मेरा. देखते हैं अभी. एक्चुअली बीच में रास्ता भी वो थोड़ा सा ख़राब है, बीच में कंस्ट्रक्शन चल रहा है. एक मिनट इधर आ तो भाई. बीच में थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा तो रास्ता थोड़ा ख़राब था, तो थोड़ा सा आने के लिए मतलब टू वे चल रहा था बीच में, तो आने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ. और अभी आगे जाके थोड़ा ट्रैफिक मिलने वाला है सिटी में. चलो पक्का रेस्ट हो गया, निकलते हैं अभी और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते. खड्डे खड्डे खड्डे, खाली है क्या रास्ता? जरा 2 सेकंड दे दे भाई. चलो थैंक यू. मोबाइल पे बात करते करते राइड कर रहे हैं. चलो ये पूरा रास्ता ऐसे ही है क्या भैया? है तो कितने किलोमीटर तक है ऐसा पैच? अब समझा, 6 घंटे की बता रहा था 250 किलोमीटर के लिए. 6 घंटे भी कम ही लग रहे मुझे तो. थर्टी का स्पीड लिमिट है, वैसे भी 30 कह के जाएगी नहीं खड्डों में. क्या बोलने का यार, इन लोगों को पेशेंस ही नहीं है. मतलब सामने वाला मर जाए चलेगा, उनको अपना जाना है. ये डूबे में ना यार दिमाग खराब है. सामने वाले तो ऐसे स्पीड में आते, देख ये देख, जैसे कि बस मेरी सुपारी दी हो किसका. Shit. हद है भाई साहब, हद है. चलो भैया बाय, थैंक यू. आराम से जा. हाँ हाँ, हाँ. बस 2 मिनट के लिए रुकी थी पानी लेने के लिए, तो ये सब अंकल लोग मिल गए. जैसे हम लोग बातें कर रहे थे सारा चीज अच्छा लगा. बेटर फील हो रहा है. ठंडा पानी पिया, ठंडे पानी से मुंह धोया. यहाँ से 8 किलोमीटर तक, 8-10 किलोमीटर तक रास्ता थोड़ा सा ऐसा वाला है, टू वे वाला. उसके बाद मक्खन है ऐसा बोले है. चलो फिर 200 किलोमीटर्स मोर टू गो.
चलो आई गेस रास्ता भी अच्छा वाला आ गया है। और गाइस तो पहुंच गई मैं सामान यहाँ पे से बिगड़ा पड़ा है। द राइड वॉज फैबुलस अमेजिंग। बीच में वैसे 40 किलोमीटर्स का जो पैच था वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन मिल रहा था तो उतना मज़ा नहीं आया चलाने में, बाकी अमेजिंग। और अगर आप मुंबई टू हैदराबाद ट्रैवल कर रहे हैं बाय रोड, मेक श्योर कि आप मतलब हैदराबाद एंटर करते करते बाहर के होटल या हॉस्टल देख लेना, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है शाम के टाइम पर। मतलब इतना ज़्यादा होता है कि मुझे 30-40 किलोमीटर्स करने के लिए 2-2.5 घंटे लग चुके हैं, मतलब इतना दिमाग खराब हो गया है। बट अदर देन दैट ड्राइवर्स ऑल्सो कपूर। और मैं एक हॉस्टल में रुकी हुई, होटल हॉस्टल का नाम है बी हाई हॉस्टल, 650 रुपीज़ पर बेड। नाइस सामान से वैसे बिखना पड़ा है, नीचे मेरा सब बैडिंग जाके उस शूज़ वगैरह है, रीजनेबल है, क्लीन नहीं टाइडी अमेजिंग। मतलब अगर आप अकेले राइड कर रहे हो तो हॉस्टल इज़ आर द बेस्ट। सो अभी के लिए सभी नाइए गाइज़, लाइक दिस वीडियो को लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना चाहूँगा। और अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब करना, और मुझे बहुत ज़्यादा।